अच्छा लगा बस स्क्रीन पे थम्स अप करके बता दो, ऐसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सही लगा, मजा आया, इसको हम बहुत गहराई से लेके जा सकते हैं। पर पता है क्या है, आज हमारा इंस्टेंट था ना, अब आप लोगों को आधा पौना घंटा अगर आप निकाल पाओ तो आप इतनी गहराई में चले जाओगे कि आपको लगेगा कि आज ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारी जो दिक्कतें हैं ना, देखो बचपन से शुरू होती है, हमारे मन में जो ग्रजेस स्टार्ट होते हैं वो पेरेंट्स के लिए होते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, माँ ने ये नहीं किया, फादर ने ये नहीं किया, और हम बहुत सारी चीजें बोल भी नहीं पाते, बहुत कुछ फील करते हैं बट नहीं बोल पाते। सिचुएशंस होती हैं, मन में इतनी चीजें उलझा के रखते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। और उसी के कारण हमारी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। तो हमारी लाइफ के मेजर पांच लोग ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, मतलब बिगाड़ता कोई नहीं है, सब लेसन देने आते हैं। तो अगर हम उनके साथ अपने रिलेशंस हील कर लेना, सिर्फ उन्हीं पांच लोगों के साथ, तो आपकी जीवन में उसी दिन से बदलाव आने शुरू हो सकता है, ठीक है। सविता जी अनम्यूट कीजिए, क्या हुआ जी, मुझे बहुत रोना आ रहा है, रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रोने में। और मैं तो है ना पूरा मेडिटेशन उसमें होते ना, इस पता नहीं कहाँ चली गई, वो हिल रही थी बहुत आगे पीछे ये वो, और सबके लिए जिस जिसके लिए हमने बात करी, मम्मी पापा खुद के सेल्फ, वो तो हम बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं ना खुद को, खुद और सबसे ज्यादा हर्ट हम हमारे आपको ही को ही करते हैं, पता क्योंकि है। सबकी हम झेलते हैं, हाँ जो सब जो हमसे कहता है ना सब सुनते रहते हैं समझ हम लोग, गए। वही सब निकल रहा था। तो रिलीज हुआ कुछ? बहुत 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 रिलीज हुआ और बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। रो लीजिए, देखो मैं बता रही हूँ, जिसको रोना आ रहा है रोको मत। अगर आप रोने को रोकोगे ना, आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर लोगे। और अगर मैं रोना शुरू कर देती फिर तो सेशन ही नहीं हो पाता, तो मैंने वहीं बीच में रोक दिया, वरना इसको और आगे तक लेके जा सकते थे, ठीक है।